हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। कैसा दिख रहा है मेरा रेसिपी? दिखने में नहीं, खाने में भी उतना ही अच्छा टेस्टी रहता है। आज ये रेसिपी बनाने का स्पेशल ये है कि मैं लाइव में एक सिस्टर से पूछा था आपको क्या पसंद है। वो सिस्टर ने मुझे बताया था रवा टमाटो बात उनको बहुत पसंद है। वो है केवीएल सिस्टर, इसलिए मैं उनके लिए ये रेसिपी बनाया है। केवीएल सिस्टर, ये आपके लिए। यहाँ पे मैं एक बड़ा कप रवा लिया है, बॉम्बे रवा, सूजी। यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में दाल लाइट गर्म हो चुका है। कढ़ाई में वो एक कप रवा उसमें डाल दिया है। इसको लाइट फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त ही हमें, आप लोग चाहिए तो यहाँ पे घी भी डाल सकते, तेल भी डाल सकते, आपका ऑप्शनल है। मगर थोड़ा एक आधा मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद डालिए, पहले ही मत डालिए। पहले ही डाले तो पूरे उंडे उंडे हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे तेल लिया है, चाहिए तो आप लोग घी ले सकते हैं। वो डाल के अच्छा सा फ्राई करिए। फ्राई होने के बाद दानेदार अलग अलग हो जाता है। जो सूजी है हम डाले हैं वो अलग अलग हो जाता है। देखिए, इसको बुनते हुए मेरे को एक 3 से 4 मिनट हो गया है, मगर लो फ्लेम में बुना है। ये तो बन चुका है, अभी इसको साइड में रख देते हैं। मैं जो क्वांटिटी लिया है 8 जनों का है, इसलिए मैं पैन में एक 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। डाल के उसमें एक 10 से 12 काजू डाला है। काजू को अच्छा सा पहले फ्राई कर लेते हैं। काजू फ्राई हो चुका है, अभी मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। वही तेल में मैं यहाँ पे राई डाल रही हूँ, 1 चम्मच इतना राई डाला है। ये मैं एक 8 जनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिया है और एक 4 हरी मिर्च लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटा है मैंने, इसको भी डाल दिया। अभी इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक आधी इंच उतना जिंजर लिया है, उसको छोटे छोटे फाइन चॉप किया है, उसको भी डाल देती हूँ। डाल के अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। जिंजर भी अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अभी इसके बाद में मैं टमाटर डालती हूँ। टमाटर में एक 4 लिया है, मीडियम साइज़ के 4 लिया है, और इसको मैं ऐसा लंबा लंबा काट दिया है। अगर आप लोग चाहिए तो छोटे छोटे काट सकते हैं, मगर जो रवा बात है ना, इसके लिए ऐसा काटे तो बहुत अच्छा रहता है, दिखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छा रहता है। अभी इसको भी एक 2 मिनट तक पका लेते हैं लो फ्लेम में। अगर फ्लेम बड़ा है तो आप लोग 1 मिनट तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लो फ्लेम में पका रही हूँ, ढक्कन लगा के एक 2 मिनट तक पका लेती हूँ। 2 मिनट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल टमाटर पक चुका है। अभी इसी टाइम में मैं थोड़ा करी पत्ता भी डाल देती हूँ। करी पत्ता डाल के एक बार इसको मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर को और थोड़ा पकना है और 1 मिनट तक पकाते हैं। टमाटर कितना अच्छा स्मैश हुआ तो उतना अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे ढक्कन लगा के। 1 मिनट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो परफेक्ट पक चुका है टमाटर। अब इसमें मैं 1 पाव चम्मच उतना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच उतना मिर्ची पाउडर भी डालती हूँ। ऑलरेडी हम हरी मिर्ची डाले हैं, इसके लिए मैं 1 चम्मच मिर्ची डाला है। मिर्ची पाउडर अगर आप ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे और थोड़ा आधा चम्मच उतना ऐड कर सकते हैं, मगर जिस क्वांटिटी में बना रही हूँ उसके लिए बस होता है 1 चम्मच उतना। देखिए, अभी डालने के बाद इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो चुका है। मैं जो टमाटर लिया है वो जो लाइट वाइट कलर है, थोड़ा कच्चा टमाटर है, उतना उसमें खट्टापन नहीं रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक आधा पीस नींबू का जूस भी डाल दिया है। डाल के इसको एक आधे मिनट तक पका लेते हैं। देखिए, आधे मिनट के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। अभी ये परफेक्ट बन चुका है। अभी इसमें मैं पानी डालती हूँ। मैं जिस कप से रवा लिया है उसी कप से मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 3 कप पानी से
जो हमारा टमाटो बाद है बहुत अच्छा, रवा टमाटो बाद बहुत अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है। मेजरमेंट एक कप, कौन सा भी छोटा ले लीजिए बड़ा लीजिए, कौन सा भी कप लीजिए, एक कप रवा लिए तो 3 कप पानी लीजिए तो परफेक्ट रहेगा। अभी नमक भी ऐड कर दिया, मैं स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर चुकी हूँ। ढक्कन लगा के अभी इसको उबलने देते हैं। देखिए ये अच्छा सा उबल चुका है, देखिए पानी अच्छा उबल रहा है, पानी तो अच्छा उबल गया है। अभी इसमें हम जो सूजी पहले से फ्राई करके रख लिए हैं उसको धीरे धीरे डालते हुए मिक्स करेंगे। एक साथ मत डालिए, धीरे धीरे आराम से डालिए। एक साथ डालने से पूरे उंडे बन जाते हैं और उसका मज़ा बिगड़ जाएगा, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आप धीरे धीरे डालते हुए मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पानी ज़्यादा है, मगर ढक्कन लगा के इसको 1-2 मिनट तक पका लीजिए। उसके बाद देखिए पानी पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसी टाइम में मैं थोड़ा सा हरे धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया डालने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और हम पहले से काजू जो फ्राई करके लगाए हैं वो भी डाल देते हैं, डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। हरे धनिया और काजू इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए, इससे अच्छा मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मिक्स होने के बाद। ये तो बन चुका है, अभी मैं सर्व करके बताती हूँ। देखिए वाह कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में खाने में भी उतना अच्छा टेस्ट रहता है। देखते ही खाने का दिल हो रहा है ना, आप लोग भी ज़रूर बनाइए, बना के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बच्चों को बड़ों को सब लोगों को पसंद आता है ये रेसिपी, आप लोग ट्राई करिए। ये दही अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। कैसा बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा।